यहाँ पर आप देख सकते हो जो आइगेटर का शटर है उसके अंदर में शटर ऑयल लगाने का काम हो रहा है। गाइस देख सकते हो क्रेन की मदद से हैंग किया हुआ है और इसको अंदर डाला जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टील बेंडिंग मशीन है, जो सरिया होते हैं उसको बेंड करने का काम ये मशीन करती है जो कि। तो गाइस दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और भाई धूप देख लो कितनी तेज धूप निकल आई है। और भाई हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ अर्षद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और अभी हम नहा धोकर के रेडी हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए। और महनार वाले रोड से जो है कास्टिंग यार्ड तक हम लोग जाएंगे और उस माइनर ब्रिज मेजर ब्रिज में जो काम हो रहा है उसका तस्वीर आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग साइट पर पहुंच चुके हैं और ये महनार वाला रोड है। कल जो मैंने आप लोगों को काम यहाँ पर दिखाया था, जो पाइल हेड था उसका मट्टी वगैरह निकाला गया था। हालांकि अभी यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं किया गया है, जो कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे रुक के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पाइल कट ऑफ लेवल का जो सरिया है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। दो पेयर बना है यहाँ पर, दो पेयर और बनाने का काम बचा हुआ है और इधर में जो है सो चार पेयर आपका बन के तैयार हो गया है। तो इसका पाइल क्या बनेगा उसके बाद फिर पेयर क्या बनेगा, अभी जो है सो काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माइनर ब्रिज 1 के पास। तो कल जो मैंने आप लोगों को तस्वीर दिखाया था जेसीबी जो मिट्टी निकाल रहा था, यहां से देख सकते हो पाइल का जो कट ऑफ लेवल है वो निकल चुका है। मिट्टी भी आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी हाइट में। तो यहां पर जो है सो पाइल चिपिंग का काम अभी बाकी है, हालाँकि अभी काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा। सुबह सुबह का टाइम है, वर्कर लोग को भी थोड़ा आने में टाइम लगता है। जहाँ जहाँ पर पाइल बोरिंग किया गया था सबको चिपिंग का करना बाकी है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माइनर ब्रिज 2 के पास और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो पाइल केज है उसको डाला जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद इसको कंक्रीट किया जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पाइल बोरिंग का काम हो चुका है। अब इसके अंदर पाइल केज डाला जाएगा, उसके बाद जब स्ट्रेंथ आ जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर पाइल कैप बनेगा। गाइस देख सकते हो क्रेन की मदद से हैंग किया हुआ है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइल केज देख सकते हो आप डाल दिया गया है, उसके बाद एक पाइल केज और डाला जाएगा इसके अंदर में, जो कि आप देख सकते हो सरिया जो निकला हुआ है उसको ज्वाइन किया जाएगा, उसके बाद फिर कंक्रीट का काम होगा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वायाडक्ट 4 के पास। यहां पर भी आप देख सकते हो पाइल केज बनाने की तैयारियां हो रही है। यहां पर पाइल चिपिंग का काम थोड़ा बचा हुआ है। उस तरफ में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पाइल केज का जो सरिया है वो फिक्स किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेफ्टी वाले जो भैया है वो इंडक्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह जो है सो हर दिन जो है सो टूल बॉक्स टॉक होता है, पूरे दिन क्या एक्टिविटी करना है इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं ये सेफ्टी वाले भाई सब भैया। और देख सकते हो इन लोगों को समझाया जा रहा है किस तरह से सेफ्टी को देखते हुए काम करना है। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लॉजिस्टिक चौक के पास। यहाँ पर भी काम चल रहा था कल, लेकिन अभी कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मिट्टी को लेवल किया जाएगा, उसके बाद फिर पीसीसी किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये जो मेन रोड है ये सीधा मायरम हाट और बिधुपुर की तरफ चला गया है। यहाँ पर भी एक अंडरपास का निर्माण होगा और आगे में आईगढ़ का निर्माण भी हो रहा है। कल जो हम लोगों ने प्रोफाइल चेक करवाया था उसका आप देख सकते हो शटर लग चुका है, जो ऑरेंज कलर का शटर आप लोगों को दिख रहा है शटर लग चुका है और एक दो दिन में उसका कॉन्क्रीट का काम किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक रोलर जा रहा है MJB 1 के पास और एक रोलर ये भी जा रहा है आईगढ़ के पास। जो हाईवे वाला हिस्सा है जहाँ पर ब्रिज वगैरह नहीं है वहाँ पर जो है मिट्टी लेवलिंग का काम करने के लिए काफ़ी सारे रोलर जो है सो जा रहे हैं, कास्टिंग यहाँ से निकले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग PCY पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन से गाड़ी लगी है, सब में एग्रीगेट आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो किसी में एग्रीगेट है किसी में सीमेंट है, ये जो झपा हुआ है ना सब में सीमेंट है, इसमें तालपत्री लगा हुआ है, ये सब गाड़ी में सीमेंट है, बाकी सब में एग्रीगेट है। और ये रहा PCY का मेन गेट। तो गाइस दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और भाई धूप देख लो कितनी तेज़ धूप निकल आई है। और भाई इस धूप में हमेशा जो है सो 5-10 मिनट में प्यास लग ही रहा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर कुछ काम ना हो
तो बाहर ना निकले बिना काम का, बाहर आप बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि भाई लू लगने का हमेशा खतरा लगा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कल हम लोगों ने S1 का कास्ट किया था उसका अभी शटरिंग निकालने का काम इसी गेंट्री क्रेन की मदद से अभी हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो काम है ना हमारा प्रोफाइलिंग का काम है, यहाँ पर जो मैच कैश में जाली डाला हुआ है उसका ट्रांसवर्स का प्रोफाइलिंग का काम बचा हुआ है, तो आज हम लोग प्रोफाइलिंग का काम करने वाले हैं। और इधर बैक साइड में आप देख सकते हो स्टॉकिंग यार्ड है, काफ़ी सारा सेगमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर बेचिंग प्लांट भी अपना रनिंग में है, लोडर जो है सो एग्रीगेट वगैरह हॉपर में डाल रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सेगमेंट में क्यूरिंग किया जा रहा है, पानी मारा जा रहा है और धूप इतनी तेज़ है कि भाई हर 5 मिनट में पानी सूख जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टील बेंडिंग मशीन है, जो सरिया होते हैं उसको बेंड करने का काम ये मशीन करती है, जो कि आप देख सकते हो। तो ये 12 mm का सरिया है जो कि आप देख सकते हो 6 पीस जो है सो सरिया एक साथ मशीन के अंदर डाला हुआ है। अब इसको देख लीजिए किस तरह से बेंड किया जाएगा, बस देख सकते हो कितनी आसान तरीके से जो है सो ये बेंड हो चुका है। यहाँ पर अभी रिंग बनाने का काम हो रहा है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं MJV-1 के पास इसका प्रोफाइल चेकिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कल जो मैंने इसका दिखाया था प्रोफाइल चेकिंग हो गया भाई फाइनली, और उसके बाद शटर भी लग चुका है जो कि आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, सपोर्टिंग का काम बचा हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को दिखाया था चैनल रखा हुआ था उसका देख लीजिए, बेड को लेवलिंग कर लिया गया है और उसके अंदर PCC कर दिया गया है, मतलब बेड बना लिया गया है। अब इसके ऊपर एक आई गटर का निर्माण और किया जाएगा और उस तरफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो भाई इस तरफ भी जो है सो PCC कर दिया गया है, बेड बना लिया गया है। सामने देख सकते हो एक आई गटर बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर 1, 2 और उधर में 1, 3, 1, 4 टोटल अभी 4 बेड बन चुका है, जिसमें से 2 बेड पर जो है सो आई गटर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक वो ढलाई होने वाला है और एक कंक्रीट का काम इसका भी हो चुका है। और 2, 1, 3 आई गटर का निर्माण और किया जाएगा, उसके बाद फिर और बेड बनेगा। इस जो ये जो जगह खाली आप लोगों को दिख रहा है इस जगह खाली जगह में और बेड बनेगा और आई गटर का निर्माण किया जाएगा। और गैस यहाँ पर भी एक आई गटर का काम हो रहा है, इसका प्रोफाइल अभी हम लोगों ने चेक किया है, थोड़ा बहुत पॉइंट है उसको अभी करेक्शन करना है, उसके बाद क्लाइंट आएगा चेकिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर शटर लगना चालू हो जाएगा। तो गैस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर जो है 48 गटर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें से 12 आई गटर जो है सो बन के तैयार हो गया है। इस लाइन में आप देख सकते हो 11 आई गटर का निर्माण हो चुका है और एक आई गटर वहाँ पर बना हुआ है, तो 12 आई गटर अभी बन के तैयार हो गए हैं। और भी बैलेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी आई गटर का जो है सो अभी प्रोफाइलिंग का चेकिंग हम लोगों ने किया है, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, काम जैसे ही कम्प्लीट होगा उसके बाद फिर शटर लगना चालू हो जाएगा। और भाई इस गटर की लेंथ की अगर हम बात करें तो 37 मीटर का ये आई गटर है, इसका टोटल लेंथ जो है जो 37 मीटर है। ले गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आई गटर का शटर है उसके अंदर में शटर ऑयल लगाने का काम हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो अपना शटर ऑयल जो है सो लगाए जा रहे हैं इसमें, ताकि भाई शटर रिमूविंग के टाइम में आसानी हो, इसलिए निकल जाए, इसलिए हम लोग शटर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देख सकते हो। और क्या नाम हुआ आपका? चंदन सिंह। चंदन भाई क्या कर रहे हैं आप? ऑयल कर रहे हैं। ऑयल क्या कर रहे हैं? ऑयल शटर में ऑयल लगा रहे हैं। अच्छा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे भी प्यार दिखाइए, फॉलो कीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।